नमस्कार, ट्रेंड फ्रीक में आपका स्वागत है। शार्क टैंक इंडिया का पिछला सीजन काफी चर्चा में रहा था और इस बार भी इसे खूब पसंद किया जा रहा है। इस सीजन का एक नया एपिसोड सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इस एपिसोड में शार्क की एक बार फिर आपस में बहस हो गई। इतना ही नहीं, कुछ शार्क तो एंटरप्रेन्योर्स पर भी भड़क गए। कारदेखो.com के फाउंडर अमित जैन ने एक तरफ जहाँ बातों ही बातों में अनुपम मित्तल पर तंज कस दिया, वहीं नमिता ने अपने दोस्त अनुपम का साथ देती नजर आई। हुआ यू की एक एंटरप्रेन्योर ने अपना बिजनेस मॉडल शार्क के सामने रखा, जिसके बाद अनुपम और अमित दोनों ही उन्हें ऑफर दिया। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स को शार्क का ऑफर कुछ खास पसंद नहीं आया, वो फैसला लेने में टाइम लगाने लगे। इस बात से चिढ़कर शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने कहा, आप हाँ या ना कहो यार। नमिता ने भी उनके सुर मिलाते हुए कहा, नहीं चाहिए तो बोल दीजिए। इन दोनों ने अपनी बातें पूरी भी नहीं की थी कि अमित बीच में कूद पड़े और अनुपम को देखते हुए तंज कस दिया। अमित जैन ने अनुपम मित्तल की ओर देखते हुए कहा, मैंने 4 कंपनियां खड़ी की है, ये बस पैसा लगाते हैं, पैसा लगाकर फिर मिलते भी नहीं है। अमित के इस बयान पर नमिता थापर भी चौंक गई। बहरहाल इस एपिसोड में एक पीच को लेकर नमिता और अनुपम पीचर पर ही भड़कते हुए नजर आए। शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन की तरह ही दूसरे सीजन ने भी काफी सुर्खियां बटोरी है। यही नहीं, शो के पूर्व शार्क अश्नीर ग्रोवर को लेकर मौजूदा शार्क का बयान भी खूब चर्चा बटोरा है। नए सीजन की शुरुआत से पहले नमिता थापर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नकारात्मक इस सीजन से बाहर रहे। भले इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी उनका इशारा समझ गए। नमिता के इस बयान से वो ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई, लेकिन नए सीजन में वो सबसे बड़ी इन्वेस्टर बनकर उभरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।